वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों ऑल्टो के पावर विंडो के अंदर एक प्रॉब्लम कॉमनली आता है, मोस्टली कारों में आता है, तो मैं वो प्रॉब्लम दिखाऊंगा और उसका सॉल्यूशन भी दिखाने वाला हूं वीडियो में। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो चलो इसे शुरू करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं थोड़े टाइम के बाद क्या मोटर तो वर्क करता रहता है, मशीन भी वर्क करता है विंडो का, पर ग्लास है वो यहाँ से निकल जाता है। इसका मतलब यह पट्टी आप देख सकते हैं पूरी तरह से ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है कि ग्लास इसमें से निकल जाता है, बाद में अप एंड डाउन नहीं होता है। तो यह पट्टी किस तरह से रिप्लेस की जाती है स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो इसका ग्लास है वो हमने निकाल के यहाँ पे आप देख सकते हैं रख दिया। तो पहले इस मशीन को बाहर निकालेंगे और इस पट्टी को हमें ठीक करके लेना होगा। तो दोस्तों आपको इस मशीन को इस पोजिशन पर सेट करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इसका बोल्ट है वो और इसका बोल्ट है यहाँ पे वो निकाल सके। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस बोल्ट को हमें निकाल लेना है ताकि ये पट्टी है उसे हम रिमूव कर सकें। तो दोस्तों दोनों तरफ से इसे निकालना है हमें, दोनों बोल्ट निकाल के हमें इस पट्टी को बाहर निकाल लेना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हो जाने के बाद ये इसमें से ग्लास है वो निकल जाता है, तो हमें इसे पूरी के पूरी रिप्लेस करनी होगी। तो अभी हम इसका नया लाएंगे और इसमें डाल देंगे, और किस तरह से डालना है मैं आगे आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये देख सकते हैं पट्टी ख़राब हो गई थी तो हमने यह नई लाया है, तो इसे हम अब इंस्टॉल करेंगे। तो किस तरह से इसे इंस्टॉल किया जाता है मैं आपको स्टेप बाई स्टेप दिखाता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, इस रबर के फ्रेम को इसके ऊपर इंस्टॉल कर देना है कांच में। दोनों को लगा देना है, पहले ग्लास के अंदर ही डाल देंगे, बाद में पूरा का पूरा ग्लास है उसे विंडो के अंदर लगा देंगे उसकी जगह पे। अब दोस्तों इसे डब्बा के अंदर बिठा देना है हमें, दोस्तों इस तरह से इसे अंदर बिठा देना है हमें। दोस्तों आप देख सकते हैं पूरी तरह से अंदर परफेक्टली फिट हो चुकी है, अब इसे हमें उसकी जगह पे इंस्टॉल कर देंगे। तो दोस्तों अब हमें इस ग्लास को इस तरह से क्रॉस करके इसके अंदर डाल देना है। दोस्तों इसको इसके परफेक्ट पोजीशन पे ही हमें लगाना होगा, तभी यह ठीक से वर्किंग करेगा। आप देख सकते हैं इसे उसकी जगह पर डाल के इस तरह से धीरे धीरे अंदर ले लेना है और यहाँ पे इसकी पोजीशन पे ला देना है। बाद में दोस्तों हमें इस होल टू होल को मैच कर देना है और इसका स्क्रू है उसे लगा देना है। दोस्तों यहाँ पे हमने इसका स्क्रू है परफेक्ट लगा दिया है, दूसरा जो यहाँ पे इसका रहेगा स्क्रू उसे भी हमें लगा देना है। तो दोस्तों इसे परफेक्ट फिट कर देने के बाद हमें इसे अप डाउन करके चेक कर लेना है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। देख सकते हैं ये परफेक्टली वर्क कर रहा है अभी। तो दोस्तों अब हम इसके जो बाकी की चीज़ें हमने खोली है उसे भी लगा देंगे। दोस्तों अब हमें इसका जो ये कवर है उसे वापस से इंस्टॉल कर देना है। दोस्तों इस तरह से पहले हैंडल को बीच में डाल देंगे इसे क्रॉस करके, और फिर इसे यहाँ पे जो इसका सेटिंग रहता है उसे लगा के अंदर बिठा देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसके सारी चीज़ें है उसे इंस्टॉल कर दिया है और इसके जो बॉल नट है उसे भी लगा दिया है। मोस्टली इस अल्टो में और इस तरह वैगनआर में इस सारी गाड़ियों में इस तरह का प्रॉब्लम आता रहता है, तो आप इसे इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल, प्रेस बेल नोटिफिकेशन आइकॉन ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।